नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,23,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 38 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3 लाख के करीब, अब तक 8,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत, तो 1,47,000 से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद ठीक। राहुल गांधी ने की अमेरिकी एक्सपर्ट से चर्चा, कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर हुआ संवाद। अमेरिकी एक्सपर्ट का बयान, कोरोना से बदलेगा संतुलन, चीन का नेतृत्व भयभीत। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बढ़ा ग्राफ, आज 92 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11,930, तो कोरोना से अब तक 269 लोगों ने गंवाई जान। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता जुटे होटल शिवलास में, सीएम गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, पायलट सहित कई दिग्गज नेता मौजूद।